हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राहिया दंदाम, दिस इज इमानी। आज डिस्कस करेंगे लैंग्वेज एंड थॉट्स का, नेटिविस्ट और इंटरैक्शनिस्ट क्या है, इसमें कौन कौन से कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट या सोशलिस्ट हैं, है ना, वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में, वैगोट्स की क्या सोचते हैं और प्याजे क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें कवर की थी। उससे पहले की वीडियो में आपको उसका बेसिक मिल जाएगा, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी दो पार्ट्स हो चुके हैं, आई थिंक तीन पार्ट्स। तो अब बात करते हैं, लास्ट लेक्चर होगा ये, इसके बाद ये लैंग्वेज एंड थॉट्स यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। और इसके कुछ ऐसा क्या एक्चुअली होता क्या है ना, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको हर टीचर अपने तरीके से समझाता है। कोई किसी टॉपिक को कहीं पे कवर करेगा रिलेट करके, कोई किसी टॉपिक को कहीं पे करा देगा। तो इसलिए ये पैनिक मतलब मत होना, परेशान मत होना सोच के कि ये टॉपिक छूट गया है, ये रह गया है ना, सारी चीज़ें आराम से तसल्ली से हो रही हैं, आराम से करते जाना है। बात करते हैं नेटिविस्ट की, है ना, और इंटरैक्शनिस्ट की। ये दोनों हैं क्या? नेटिविस्ट और इंटरैक्शनिस्ट, इंटरैक्शनिस्ट होता है जहाँ बच्चा इंटरैक्शन करके जहाँ बच्चा इंटरेक्शन करके सीख रहा है ना, और नेटिविस्ट वो होता है जहाँ बेस हेरिडिटी को माना जाता है। तो अगर मैं बात करूँ कि बेस हेरिडिटी को किस किसने माना है ना, और सोशलिस्ट कौन कौन है जिन्होंने सोशल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, वो हैं स्किनर, और बैंड्यूरा, है ना, स्किनर और बैंड्यूरा। और यहाँ कौन कौन है? यहाँ हैं प्याजे और बोलो चॉम्स्की, राइट। ये कंफ्यूज मत होना इनमें और लिख लेना, है ना, आराम से नोट कर लेना। और दूसरी बात, अब बात आती है, तो जैसा कि मैंने बोला, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो प्रेफरेंस दिया, हम क्या पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, आपके एग्जाम में जो लिखा आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी आता है, कभी भी साइकोलॉजी लिखा नहीं आता। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना, इतना मान के चलिए, अगर आप एक बच्चे को सेंटर में रख के और उसके कह सकते हैं उसकी जगह पे अगर आप जाके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या घर पे, तो आप काफ़ी हद तक सही कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप एज अ टीचर, मतलब एज अ टीचर क्या होता है एक्चुअली ना, हम वही सोचते हैं जो हमने देखा होता है, और देखने में और पढ़ने में बुरे हाल हैं क्योंकि प्रैक्टिकल में चीज़ें वैसी हैं ही नहीं जैसी होनी चाहिए, ठीक है, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते, बट क्या करें। तो प्याजे क्या करते हैं, प्याजे मानते हैं कि जो हेरिडिटी है, क्या है, जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी मतलब जो आनुवांशिकता है, वो मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और उसको सपोर्ट करने वाला अगर एनवायरनमेंट मिल जाए, क्या मैं बोल रही हूँ, हेरिडिटी मेजर रोल प्ले करती है बच्चे के डेवलपमेंट में, भाषा के डेवलपमेंट की बात हो रही है ना, क्लियर कर लेना ये पॉइंट। और जो हेरिडिटी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर उसको बेहतर एनवायरनमेंट मिल जाए, तो वो क्या होती है, बच्चे की लैंग्वेज डेवलप एक्वायर करने लगता है बच्चा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब क्या हुआ, एक वर्ड इन्होंने और दिया, और वो वर्ड क्या था, वो था LAD। अब LAD क्या है, इसको ऐसे याद रखना हिंदी वाले भी, LAD क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये बोल रहे हैं कि बच्चे के दिमाग में एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे बच्चा भाषा को सीखता है, और ये डिवाइस धीरे धीरे एज के साथ साथ कम होती जाती है, यानी कि वीक होती जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो होता ही नहीं, ऐसे तो होता ही नहीं, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है, जो जो जिस साइकोलॉजिस्ट ने बोला है वो सारी चीज़ें हमने कवर करनी है, क्योंकि जो उन्होंने बोल दिया वो तो अब बोल ही दिया, उसका क्या कर सकते हैं, चाहे वो गलत हो, कुछ चीज़ें गलत भी हैं और कुछ चीज़ें सही भी हैं, है ना, सबके अपने अपने एक्सपेरिमेंट हैं, किसी ने कुछ इग्नोर किया है, किसी ने कुछ इग्नोर किया है। सो आगे क्या बात आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, ये बहुत बार आता है, हर बार अर्ली चाइल्डहुड,
यानी कि पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो आपकी सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेज होती है किसकी, लैंग्वेज डेवलपमेंट की। क्या होती है? अर्ली चाइल्डहुड यानी कि जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो आपकी सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेज होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, यानी कि भाषा के विकास की। इसमें बच्चा इससे ज़्यादा तेज़ तीव्र गति भाषा के विकास की कभी नहीं होती पूरे लाइफ स्पैन में। क्लियर? बिल्कुल। उसके बाद है, तो यहाँ पे एक टर्म और है, ऐसे एक्चुअली लिखना भी इक्वली है और ऐसे समझ लेना भी इक्वली है। एक टर्म है एनवायरमेंट एक्वायर। अब क्या करता है बच्चा? एनवायरमेंट से एक्वायर करता है और कुछ नहीं है इसमें। यानी कि बच्चा अपने भाषा का विकास अपने एनवायरमेंट यानी कि वातावरण से अर्जित करता है। राइट? यहाँ तक नेटिविस्ट आपको क्लियर होगा। उसके बाद बात आती है इंटरैक्शनिस्ट की। इंटरैक्शनिस्ट मैंने बोला था, इंटरैक्शनिस्ट वो होते हैं जो बोलते हैं कि भाषा का विकास उसके सामाजिक दायरे में ज़्यादा होता है, ना कि हेरिडिटी। हेरिडिटी को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। बात क्लियर हो गई? सोशल कंटेक्स्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हेरिडिटी। ठीक है, मतलब कि हेरिडिटी जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना सोशल कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, जितना सोशली बच्चे का विकास होता है उतना आनुवंशिकता उसमें रोल प्ले नहीं करती है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। ये चीज़ यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। उसके बाद स्किनर ने एक टर्म दिया है और बैंडुरा ने भी एक टर्म दिया है। इसके बाद ये चीज़ें बस इतना ही इन्होंने इसके बारे में बोला। वो छोटा सा है बट एक एक पॉइंट, जितनी चीज़ें मैंने बोली हैं अभी, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए चीज़ें बहुत क्लियर करके चलना। एच टेट के भी फॉर्म्स आए हैं, यूपी टेट का भी एग्ज़ाम आएगा अभी, सी टेट आपका बिल्कुल फिक्स है, रीट आपका आएगा। ये सारी चीज़ें, एक एक एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम टीचिंग का कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल नहीं होंगी जितनी मैंने कराई हैं। तो बात करते हैं जो स्किनर ने बोला है वो क्या बोला है। रीइंफोर्समेंट। क्या? रीइंफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन, पुनर्बलन। और बैंडुरा ने क्या बोला है? बैंडुरा ने बोला है इमिटेशन। इमिटेशन मतलब नकल उतारना, नकल उतारना। अब जो स्किनर बोलते हैं वो फोर्स करते हैं, बल देते हैं रीइंफोर्समेंट पे, यानी कि बच्चा रीइंफोर्समेंट से ज़्यादा सीखता है, यानी कि बार बार रिपीट करने से। और बैंडुरा बोलते हैं कि बच्चा नकल उतार के ज़्यादा सीखता है। बट ये दोनों चीज़ें फेल हैं। इमिटेशन वहाँ पे फेल हो जाता है जब कोई नई सिचुएशन आती है और बच्चा लैंग्वेज एक्वायर नहीं कर पाता, और रीइंफोर्समेंट वहाँ पे फेल हो जाता है। क्या आप नकल उतारते रहेंगे? आप नई सिचुएशन आपको मिली है, आप किसी अलग सोशल, आपका दायरा चेंज हुआ है, आप वहाँ पे जा रहे हैं, आपकी एज ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा? आपकी LAD वीक हो जाएगी और इसके बाद यहाँ पे रीइंफोर्समेंट फेल हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। रीइंफोर्समेंट मतलब जब बच्चे को देखो, जब छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा आपके परिवार में कोई ज़रूर इधर उधर बहन भाई या फिर कोई भी छोटा बच्चा रहा होगा, वो जब फर्स्ट मतलब पहली बार जब वो वर्ड बोलता है, कुछ मुंह से निकालता है शब्द, तब सारे खुश हो जाते हैं। खुश हो जाते हैं इन द सेंस, अगर वो कुछ भी बोलेगा, जैसे वो मम्मा बोल रहा है, पापा बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहा है, तो आप क्या करते हैं कि रिपीट कर, है ना, एक बार रिपीट कर, उसको कुछ दिखाएंगे लालच के लिए जिससे वो बोले। ये सारी चीज़ें क्या हैं? रीइंफोर्समेंट हैं। लेकिन बैंडुरा बोलता है बोलते हैं इमिटेशन। इमिटेशन मतलब नकल उतारना। आज वो बोलते हैं कि जब भी हम सीखते ही नकल उतार के हैं, पहले बच्चा नकल उतारना शुरू कर देता है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर होगी। ये दो थे आपके नेटिविस्ट और इंटरैक्शनिस्ट। ये इम्पॉर्टेंट, बेहद इम्पॉर्टेंट मैं बोलूँगी, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ तक था आज का सेशन और ये चैप्टर आपका होता है अब खत्म मेरी तरफ से। ठीक है, इसके अलावा आगे और यूनिट्स करेंगे, और एक्चुअली कुछ डिमांड्स भी आ रही हैं, बहुत सारे मैसेज आए हैं कि सी टेट को टारगेट करिए,
है ना, ये सारी चीज़ें भी। तो देखते हैं, एक बैच अलग से चलाते हैं जो सीटेट के लिए ही रहे स्पेशली, तो उसमें टेंशन मत लेना, बाकी चीज़ें चल रही हैं, हर चीज़ बहुत बेसिक से उठाई है, सो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। और आपको अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना। और आजकल नोटिफिकेशन का कुछ इशू हो जाता है इन लोगों का, यूट्यूब वालों का, तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लेना, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।